गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम खड़े हैं कारवार रेलवे स्टेशन और ये पड़ता है कर्नाटका में, तो गोवा से थोड़ी सी दूर है। और हम आए हैं यहाँ पे लक्की पाजी को बाय बाय बोलने, तो वो जा रहे हैं, उनकी ट्रेन का टिकट था, तो मैं सोचा कि छोड़ के आता हूँ यहाँ पे। तो अभी बस सामान वान उतार रहे हैं हम लोग। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको स्टेशन दिखाता हूँ, बहुत ओल्ड पुराने टाइप का स्टेशन बना हुआ है रेलवे स्टेशन, और मतलब एकदम बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है इसकी, देखने में पता चल रहा है। तो अभी पहले ट्रेन वगैरह देख लें कितने टाइम में आ रही है, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं, थोड़ा स्टेशन दिखाएंगे फिर यहाँ से, और गोवा तक का रास्ता दिखाऊँगा, बहुत मस्त रास्ता है। तो सुबह सामने से लाइट पड़ रही थी मैंने, इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया, अब जाते हुए करेंगे। तो पहले पाजी को ट्रेन में बैठवा देते हैं। तो ये है इस तरह का यहाँ का रेलवे स्टेशन कर्नाटक, फर्स्ट टाइम कर्नाटका देख रहे हैं। और ट्रेन आ गई है, वो 2 नंबर पर आ रही है सामने। तो अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, और ट्रेन आ चुकी है ये देखो। तो इसमें टिकट है उनका पाजी का, और ये इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है, वाह। अभी ऊपर से देखते हैं मोनिका, चारों तरफ का बड़ा मस्त नज़ारे आएंगे आते वक्त। हाँ, यहाँ पे पतझड़ हो गया है अभी पूरा, पेड़ बिल्कुल पत्ते गिर गए हैं सारे। और ये इधर पूरा रेलवे स्टेशन, हाँ एकदम अच्छा है, वाह। पहाड़ों के बीच में ऐसे मतलब बहुत कम देखने को मिलता है मुझे, यहाँ स्पीड बहुत कम रहती है ट्रेन की। आओ जल्दी जल्दी, अरे नहीं भागेगी। चल पड़ी है ट्रेन और हम भी निकलते हैं अब यहाँ से। थोड़ा सा इमोशनल हो गए, मोनिका इमोशनल हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब वो घर पे रहे जैसे, तो बहुत मन लगा, उनकी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो इसलिए। तो अभी चलते हैं यहाँ से और कुछ खाएंगे पियेंगे भी रास्ते में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाऊँगा, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रास्ता है। और ये गए वो पाजी। गए। तो इस तरह का ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए, और एक खड़ी है मालगाड़ी, उसमें जा रहे हैं ट्रक भर के। ट्रक ड्राइवर भी बैठे हैं। हाँ सब बैठे हुए हैं साथ में, वो सोते हुए जा रहे हैं आराम से। और ये है यहाँ की, वाव कर्नाटका सच में खूबसूरत है। कर्नाटका घूमने के लिए पूरा टाइम चाहिए, आराम से लेंगे। हाँ बिल्कुल, गोकर्णा वगैरह ये इधर घूम के जाना है। और ये देखो मालगाड़ी पूरी, और पाजी गए अपने, तो बड़ा अच्छा लगा सच में उनके साथ में ना। ये है स्टेशन से आने का रास्ता कारवार, और लोकेशन मतलब अगर सुंदरता की बात करें, इधर की ब्यूटी की बात करें, तो बहुत है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल पतले पतले रोड, ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में जा रहे हो हम कहीं। उत्तराखंड वाली सी फीलिंग। हाँ थोड़ा है, और पहाड़ी एरिया, और स्टेशन की जो लोकेशन थी वो तो सच में मतलब बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी पहले कारवार से निकलेंगे, इस बार सिटी थोड़ा सा देखते हुए जाएंगे हल्का सा, कि बड़ा है। हाँ थोड़ा बड़ा है, कैसा है वो थोड़ा सा पता चलेगा, हमें आइडिया लग जाएगा, और फिर कर्नाटका से निकलेंगे गोवा की तरफ को हम। तो अभी कारवार में घूम रहे थे, सर ने पहचान लिया दूर से गाड़ी,
क्या नाम है सर पूरा? विनेश सर है। और ये कारवार के ही लोकल है, तो थैंक यू यहाँ पे पहचानने के लिए। चलो फोटो ले लेते हैं। ये है कारवार का मार्केट पूरा। थोड़ा सा घूम रहे हैं यहाँ पे, कुछ सामान खरीदने थे तो सोचा इधर से खरीदते हुए चले। जो पीछे गोवा में जाना पड़ता है दूर, तो इधर को भी ये पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 35 किलोमीटर उधर में मड़गांव पड़ता है, इधर को 35 किलोमीटर कारवार। और ये मार्केट थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, बस बॉर्डर क्रॉस करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है सर। गाड़ी उड़ी वो चेक करते हैं, निक्कर वगैरह ये सब चीज़ें। तो अभी कारवार घूमते घूमते हमने अचानक जैसे हाईवे की तरफ आए, वो पीछे फ्लाईओवर बन रहा है, तो वो जो मेन स्ट्रेट है NH है 66 वो है, और ये इधर की तरफ सी। तो मतलब कहीं भी हम जाके ना समुद्र ढूंढ ही लेते हैं। तो ये कारवार का बीच है, और ये देखो क्या वाव, बहुत मस्त जगह लग रही है मुझे। ये देखो आप सामने, हाँ वाव। तो ये बीच भी एकदम साफ सुथरा लग रहा है बिल्कुल। और दूर तक इसमें देखो, दूर सिप खड़े हुए हैं, एक सिप वो खड़ा है उधर, उधर की तरफ खड़े हुए हैं, और बीच बीच में वही पहाड़ छोटे छोटे। सच में ये भी अच्छी लोकेशन लगी है। और ये है काली नदी, शायद दिख नहीं रही है ये कारवार से। अंदर एंटर कर गए, और ऐसा हाईवे कहीं पे ये सिंगल है थोड़ा सा, बाकी 4 लेन हाईवे है, बड़ा मस्त। और पीछे भी बड़ा अच्छा हाईवे था, और बरसात में यहाँ पे आने का मतलब एक अलग ही मजा है, क्योंकि बरसात में ना ये सारे में ग्रीनरी और ज्यादा हो जाती है। और अभी हमने क्रॉस किया चेक पोस्ट, तो वहां पे क्या है पूरा चेक करते हैं। आधा किलोमीटर में उधर की तरफ कर्नाटक के बैरियर है, इधर की तरफ गोवा वाली पुलिस है, और बाहर के नंबर की गाड़ियां बहुत चेक करते हैं जो इधर से निकलती हैं गोवा साइड से। और ये लोकेशन देखो आप सामने की, ये ब्रिज बना हुआ है, और इधर की तरफ पूरा बीच है, पूरा दूर तक पानी पानी है, ये वाओ। तो इस हाईवे पे मतलब बोर नहीं हो गए आप, थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसी लोकेशन मिलती रहेंगी। ये मॉर्निंग में मैं देखता हुआ गया था कि कहाँ कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ कहाँ रुक के ब्लॉग बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते गए थे। और बहुत तेज धूप है अभी यहाँ पर, गर्मी दिन में अच्छी हो रही है, और रात में थोड़ी सी अच्छी ठंड होती है, तो मतलब वेदर देखे तो बहुत ही मस्त है अभी यहाँ पे। और ये तो मतलब अल्टीमेट लोकेशन है इस रोड पे, वाह एकदम साइड से हाईवे और साइड में समुद्र है पूरा। तो ये खड़ी है अपनी टियागो, अभी इसको धुलवाना बाकी है, इसका पूरा मतलब वॉशिंग वगैरह होगी, बहुत गंदी हो रखी है, बुरी हालत हो रखी है चारों तरफ से। तो चलो अभी आगे चलते हैं, कुछ और दिखेगा तो वो भी दिखाएंगे फिर।